नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है। हर बार की तरह दोस्तों A50 में टाइम पर मैं अपडेट मिलते रहते हैं, तो इस बार भी दोस्तों अक्टूबर मंथ का इसमें अपडेट आ चुका है। भले ही दोस्तों ये अपडेट अक्टूबर मंथ के लास्ट में आ रहा है, बट हर मंथ में दोस्तों इसमें अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार भी हमें आ गया है। दोस्तों, इस अपडेट में क्या नया देखने को मिलता है जी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है वो सैमसंग गैलेक्सी A50। अब वो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस अपडेट की साइज़ की। तो दोस्तों ये देखिए, ये है 170 MB का सिर्फ। तो दोस्तों इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मोबाइल का सिक्योरिटी पेज लेवल 1 अक्टूबर कर दिया गया है। और दोस्तों ज़्यादा बड़ा अपडेट तो है नहीं, तो इसमें आपका दोस्तों सिक्योरिटी पेज लेवल है वो अपडेट कर दिया गया है। बाकी जो छोटे मोटे बक्स होते हैं हर अपडेट के बाद जो हमें मिलते हैं वो दोस्तों इस अपडेट में फिक्स कर दिए गए हैं, और बाकी हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हो टेम्परेचर वाला कुछ ऑप्शन है जिससे दोस्तों हमारा जो फ़ोन है थोड़ा हीट हो जाता है, तो वो भी दोस्तों इसमें फिक्स कर दिया गया है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका दोस्तों जो फ़ोन है वो उसकी दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो बक्स होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं नए अपडेट में। और जो सिक्योरिटी पिछले वाला दोस्तों वो कर दिया गया है 1 अक्टूबर का। तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है तो आप इसे फटाफट से कर लो, क्योंकि जब भी हमारे फ़ोन में कोई अपडेट आता है तो उसे दोस्तों आपको ज़रूर से करना चाहिए, जिससे दोस्तों क्या होता है कि हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, और जो बक्स होते हैं वो दोस्तों फिक्स कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक उसे ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।